शुरू करिए रविंद्र जी। हाँ नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र गोह है। मैं ज्योतिष वास्तु, जहां पर लोग कहते हैं ज्योतिष वास्तु का मेरा प्रोफेशनल कार्य है। और यहाँ पर जो है हमारी आज जो चर्चा है कि फाइव एलिमेंट थ्योरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि वास्तु। और वास्तु में हमारे घर, फ्लैट, ऑफिस, जहां पर भी जाएंगे ये वास्तु हमारे साथ चलता है। जैसे सभी जानते हैं कि पंच तत्व का शरीर और पंच तत्व की हमारी ये दुनिया, और ये हमारे वातावरण में कैसे काम करते हैं। कई लोग कहेंगे भाई वास्तु को मैं मानता ही भी नहीं, आखिर क्यों, ऐसी क्या बात है जिनको हम नहीं मानते। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्यों नहीं मानते, पहले आप मुझे बता दो, तो मैं आपको एक समझाने की कोशिश करूंगा कि वास्तु है या नहीं। आप खुद बोलोगे, सीधी सी बात है कि हम श्वास लेते हैं, है ना, हमारी ऑक्सीजन जो लेते हैं एक वायु से माध्यम से हमें प्राप्त होती है। वायु के माध्यम से जो श्वास लेते वो हवा ही तो है। शास्त्र में कहते कि पवन कुमार, वायु हवा है, यानी कि पंच तत्व में हमारी फाइव एलिमेंट थ्योरी में वायु काम करती है। अब दूसरी बात कहो, वाटर, वाटर यानी कि पानी, यानी कि जल तत्व, हिंदी में इनको जल तत्व कहा गया है। जल हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक है, हम खाने से ज्यादा अधिक पानी पीते हैं। पानी पिएंगे हमारे शरीर में जाएगा और पानी निकालेंगे, तो ये वाटर एलिमेंट। यानी कि जैसे ऋतु काल के दरमियान गर्मियां भी जा रही है तो बारिश के दिन आएंगे, बारिश मिलेगी यानी कि पानी बरसेगा, तो मतलब ये काम करता है। अगर पानी ना गिरे, परमपिता परमात्मा हमें इस सृष्टि पर, पृथ्वी पर पानी की बारिश ना करे, तो हम नहीं रह सकते। समुद्र का पानी इतना नहीं पी सकते क्योंकि उसमें खारस है, यानी कि नमक ज्यादा है जो पीने के लायक नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि हमने इस समुद्र में स्नान किया तो क्या हुआ, चटपटी होने लगी। जब तक मीठे पानी से नहीं नहाए तब तक हमें अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शरीर को वो होता है कि अब यार अच्छा नहीं लग रहा, खुजली हो रही है, वहां पर मीठा पानी से स्नाने से वो जो उनकी जो खारस होती है वो कैल्शियम वो निकल जाती है। अब समुद्र से ही बहुत सारे कैल्शियम बनते हैं, नमक बनता है, तभी हम चीजें मानते हैं। तो वहां पर ये बातें बनती, मतलब फाइव एलिमेंट थ्योरी में पंच तत्व में वास्तु में वाटर काम करता है। अब हमारी पृथ्वी पर जमीन कम है पर पानी ज्यादा है, यानी कि समुन्द्र ज्यादा है। इसी को आगे बढ़ते हैं तो जब बनती है, बारिश होगी, किसानों ने अपना खेत को अच्छे से ठीक करके वहां पर बीज बोने के लिए एक बारिश का इंतजार करते हैं, तब वो बीज बोया जाता है। जब धान्य पकता है, कहीं पर कोई चना बनेगा, कहीं पर गेहूं, कहीं पर कोई चावल, तो पानी की हमारी जरूरत है, यानी कि वास्तव में हमें इनकी जरूरत है। सीधी सी बात है, जो बीज एक किसान अच्छे से उनको बीज बोता है तो वहां पर आहिस्ता से बीज अंकुरित होते हैं, पौधा बनता है, पौधे से फल बनते हैं और फल से हमें प्राप्ति होती है धान्य की, कहीं पर फ्रूट की। और इसी तरह से वास्तु में इनको मानना पड़ता है, मतलब सीधी सी बात है ये हमें काम करता है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, चलो बीज बो गया, फल आ गया, धान्य मिल गया, और धान्य के साथ हमें क्या चाहिए। अब धान्य को पकाने के लिए हमें अग्नि की जरूरत है, यानी कि फायर की, फायर, फाइव एलिमेंट में फायर भी जो है हमारी अग्नि का काम करती है। तो अग्नि, अग्नि क्यों और कैसे काम करेगी, सीधी सी बात है, हमें चाय पकानी है तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है, पर पुराने समय में आज भी कहीं पर गैस का चूल्हा भी बनता होगा, कहीं पर जो है कोयले से भी अग्नि प्रज्वलित करते हैं, यानी कि उनको जलाकर उसमें से अच्छे से पकाकर हमारे धान्य हो या फिर उनको पकाते हैं, खाना बनता है। कहीं पर कोई चीज होती है जो वर्किंग करने के लिए, वहां पर भी आग की जरूरत होती है, चाय भी बनती है उसी पर, मतलब वहां पर हमें आग की जरूरत है, यानी कि सीधी सी बात है फाइव एलिमेंट थ्योरी, यानी कि वास्तु में ये तीनों चीजें आज भी मौजूद है। अब इनके बाद आगे बढ़ते हैं तो फाइव एलिमेंट थ्योरी में आएगी पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट,
अर्थ यानी कि हमारी जमीन भूमि जिन पर हम रहते हैं वो एक भूमि, कई बार क्या कहेंगे जब जिनका कोई अपना मकान ना हो ना कोई जमीन हो तो किराए पर रहते हो तो कहते कि कई पर कुछ अच्छी सी पूंजी बन जाए तो पहले हम एक जमीन का टुकड़ा ले लेंगे हमारे घर बनाने के लिए, हमारी उनको जरूरत होती है। तो सीधी सी बात है, बीज कहाँ पर बनेगा, खेत कहाँ पर है, तो जमीन पर ही है, उसी काली मिट्टी के अंदर। कई भुरभुरी मिट्टी होती है, कई गीली मिट्टी है, कई पर पीली मिट्टी होती है, मिट्टी के बहुत सारे प्रकार है, वो बाद में हम आगे चलकर समझेंगे। पहले फाइव एलिमेंट थ्योरी को समझ ले कि पंच तत्व क्या है। जिन लोगों को ये लगता है कि वास्तु काम नहीं करता, पर दोस्तों मैं यही कहूंगा कि वास्तु 100% काम करेगा। सीधी सी बात है, आप अपने घर में तो एक जमीन पर ही आपका बनाया हुआ ईंटों से सीमेंट से कॉन्क्रीट से बना हुआ आपका घर मकान फ्लैट ऑफिस होती है, उसी पर तो आप खड़े हो, तो सीधी सी बात है अर्थ एलिमेंट काम करता है। अब इनके बाद जैसे मैंने वही चक्र पर आ गया कि जो क्रिएटिव साइकिल है वॉटर, पहले पानी, पानी है तो आपका पौधा बनता है, उसके बाद जब आगे बढ़ते हो तो पौधे से लकड़ी बनी, लकड़ी से आग बनी, और आग से जब आग जलती है, जब लकड़ी जल जाती है तो क्या बनेगी, राख बन जाएगी, उनसे मिट्टी बन जाएगी, और मिट्टी से क्या बना, अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट से ही हमारी वायु काम करती है, यानी कि वहां पर वायु काम करती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन दोनों हमारे प्रकार से, और आजकल तो बहुत सारे गैस भी इनसे बनने लगे। तो सारा खेल होता है हमारे पंच तत्व का, फाइव एलिमेंट थ्योरी, वॉटर, वास्तु क्या है हमारे शरीर में। जब हम पानी की कमी होती है तब डॉक्टर क्या कहेंगे कि भाई पानी ज्यादा पियो, गर्मी के माहौल में हमें जरूरी होता है कि पानी को ज्यादा पीना चाहिए, और उनके अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए कि भाई पानी इतना पिए कि हमारे शरीर की जरूरत है। और शास्त्र वैज्ञानिक साइंस भी हमें बताता है कि 5 लीटर एक दिन में पानी पियो, पर जब हम उतना पानी नहीं पीते, जब कई बार किसी को कहते कि मुझे सरदर्द की बहुत सारी बीमारी बनती है, सरदर्द अक्सर बना रहता है, तो होता क्या है कि उसने पानी की मात्रा कम ली है। बहुत अच्छे जो डॉक्टर एक्सपर्ट होते हो आपकी नाड़ी को पकड़ते हुए बता देंगे कि भाई तूने कल सैंडविच खाई थी, पकौड़े खाए थे, है ना। पर आजकल तो क्या है कि हमें बताना पड़ता है कि भाई यहीं पर मेरा इलाज करके दे दो जहां से मेरा काम बने, यानी कि हमें चाहिए फास्ट, तो फास्ट ट्रैक के लिए वो कहेगा भाई बोतल चढ़ा दो, यानी कि पानी चढ़ाएगा। और पानी इसलिए हमारे शरीर में ये जरूरी है कि उनको संतुलन बनाए रखना। अब हमारी बॉडी से भी मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिट्टी का शरीर, जैसे हम हमारी जो डेथ बॉडी होती है उनको जलाकर देते वो राख बन जाती है, यानी कि अर्थ एलिमेंट। और अर्थ एलिमेंट बनती है तो हवा बनती है, हवा से हमारी राख उड़ जाती है, तो हमारी जो अंदर शरीर के अंदर जो आत्मा है वो प्राण वायु की तरह है, कहते ना कि प्राण वायु है, एक छोटा सा वायु जो हमारी आज इतनी छोटे से लेकर बड़े किया, और वहां पर आत्मा ने हम जब आत्मा एक्टिव है तो मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हो, आप मुझे सुन सकते हो, देख सकते हो। जब आत्मा ना हो तो ना मुझे सुन पाएंगे, देख सकते हो लेकिन ना सुन पाएंगे, ना हलन चलन की क्रिया होती, क्योंकि एक निर्जीव है ना। तो निर्जीव शरीर पार्थिव शरीर बन जाता है, तब उसमें राख बन जाती है, राख से वायु की तरफ से वो चला जाते हैं, प्राणवायु चले जाते हैं, और वही प्राणवायु फिर सूक्ष्म रूप से बीज के स्वरूप में माता के गर्भ में धारण करते हैं। तो ये थी हमारी वास्तु की बात। अब वास्तु, जब मैं आपको समझाऊं कि वास्तु की हमने ये समझा, तो वास्तु में हमारे घर के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे हम अच्छे से काम करें, या कोई ऐसे टिप्स लगाए जिसमें हमारा काम अच्छे से, क्योंकि एक वातावरण ही हमें ये संतुलन बना देता है, और उसी वातावरण के अनुरूप जब हम उनको एक्टिव करते हैं तो वहां पर हमारा काम होने लगता है, यानी कि हमें उन तत्वों का जो होता है फल प्राप्त होता है। अब मैंने ये बताया कि वास्तु फाइव एलिमेंट थ्योरी पर किसी ने ये सोच रहा होगा, या किसी के मन में ये सवाल हो सकता कि फाइव एलिमेंट थ्योरी यानी कि पंच तत्व कैसे बना। तो प्रकृति, प्रकृति का सिद्धांत है ना, तीन ऋतु है हमारे, तीन ऋतु के अंदर ठंडी, गर्मी और बारिश, ये तीन प्रकार की है, यानी कि तीन तत्व है ना। अभी जैसे बारिश की जरूरत है, बारिश के दिन चलेंगे, उसके बाद फिर से ठंड स्टार्ट होगी, और ठंड के बाद फिर गर्मी स्टार्ट होती, तो इसी तरह से उनके भी तीन प्रकार है प्रकृति के, रजो तमो सतो, है ना। वास्तु सही में तीन तत्व से ही बना है, रजस राजा,
सत्व और तमस। प्रकृति की ये देन ऐसी है। और आजकल जैसे हम कहते हैं कि गवर्नमेंट भी चलाती कि भाई पेड़ पौधे को लगाओ, प्रकृति की पालना करो, जब इनकी पालना हम करते हैं तो बहुत अच्छे से और भी समझ में आता कि नहीं हमें क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी। जब हम इनको अच्छे से काम करते हैं, इनको हम अच्छे से ये डिसाइड करते हैं कि भाई क्या चीज को हम लाए हमारी बॉडी के लिए एक संतुलन है, इसी तरह से हमारे घर वातावरण को भी संतुलन बनाना जरूरी है। अब मैंने कहा कि वाटर, वाटर कहाँ पर होता है, हमारी उत्तर दिशा में। फायर, फायर होता है हमारा पूर्व दिशा में, अर्थ जो होता है उसके बाद साउथ वेस्ट में। तो फायर जब एक्टिव करता है पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व बनाती वायु, जो ये प्रक्रिया है जब हम सो जाते हैं तब एक ऐसी अवस्था में होते हैं जहां पर हम सोए हुए हैं लेकिन हमारी आत्मा जागृत होती है। तो इसीलिए जब हम दिन रात में कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको प्राणवायु मिलेगी, यानी कि ऑक्सीजन मिलेगा। सृष्टि में यानी कि हमारी जो पृथ्वी की धरा पर कहीं पर आप अमेरिका भी जाएंगे तो इसी तत्व से सारा खेल है। इस तत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ तक मैं अभी किसी को समझ भी ना आए तो एक बार सवाल कर सकते हैं, उसके बाद मैं आगे और टॉपिक को लेकर चलूंगा। अगर किसी का कोई सवाल बनता है तो जरूर बताइए। क्या है कि इन चीजों में आपको क्लियर होना जरूरी है कि भी क्या चीजें, मैं आपको क्या एक समझाने की और बताने की पूरी अच्छे से कोशिश करो कि जिसमें आप अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए वास्तु, जिसमें कुछ आपको एक ऐसे टिप्स भी दूंगा जिनको आप अच्छे से और समझ सकते हैं कि वास्तु कैसे क्या उनको हमारे घर में कैसे ये ऊर्जा को स्थापित करने के बाद उनको चला सकते हैं। वास्तु जैसे हर एक सिद्धांत है, ठंडी हुई है सर्दी है तो हम वहां पर ठंडा नहीं खाते, इसी तरह से हमारे घर के अंदर भी हमारे वातावरण के हमारे बॉडी के पार्ट को भी इसको संतुलन करना होता है। जैसे अगर आप मोर पंख होता है, हम सभी जानते हैं कि मयूर मोर पंख आपके घर के पूर्व और उत्तर पश्चिम द्वार पर लगाने से आपको बहुत अच्छे इनके फल प्राप्त होंगे। मोर पंख ऐसा है जो कृष्ण भगवान की हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान के सर पर दिखाई देता है और इनके अंदर हम लगाकर देखते हैं कि कृष्ण भगवान की मोरपीठ साथ में होता है। तो क्या है कि ये हमारे जो ऐसे गलत विचार होते हैं राहु पर इनका कंट्रोल होता है बहुत अच्छे से, और हमने इनको देखा भी है। कोई कहेगा कि भाई मेरे बच्चे को बहुत सारे सर डरावने सपने आते, मैं क्या करूं, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, मोर पिंक लेके आओ। मोर पिंक होता है तो आप उनके बच्चे के तकिए के अंदर रख दीजिए तो रात के उनको जो डरावने सपने होते हैं वो बंद होते हैं। अगर किसी के बच्चे को डरावने सपने आते हो या फिर नींद से जाग जाता हो तो उनके लिए आप ये उपचार कर सकते हैं। उनके बाद आप रिजल्ट देख लीजिए कि कैसा आपको फल मिला। तो सोते समय जले रक्षतु वाराहा, इस नाम को आपको लिखना है, इस मंत्र को, जले रक्षतु वाराहा स्थले रक्षतु वामनः। क्योंकि शास्त्र पुराण के अंदर सारी चीजें हमारे एक स्तोत्र मंत्र उपचार से होता है। तो यहाँ पर जो शास्त्र के रचित है उन मंत्र की मैं बात करता हूं, आप टाइपिंग लिखकर यहाँ पर कमेंट में दे सकते हैं कि जले रक्षतु वाराह स्थले रक्षतु वामनः अटव्य नार्सिसो सर्वतः पातु केशव, यानी कि केशव का जो है नरसिंह भगवान जो सर्वस्त्र है, जो नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया तब वहां पर उसने मानव स्वरूप धारण किया लेकिन उनका जो मुख था वो एक सिंह की तरह उसने प्राप्त किया था, इसीलिए नरसिंह पार्श्व था, यानी कि नरसिंह भगवान हमारी सहायता करते हैं और उसे बुरे सपने को दूर करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करने से बुरे फल नहीं थे। अब यहाँ पर हम कहते कि हमारा जीवन रंगीन है, जैसे मैं अपने हिसाब से अपने शौक के उस रंगों का इस्तेमाल करता हूँ जहां पर मुझे अच्छे लगते हैं, तो रंग भी हमारे वास्तु में बहुत बड़ा फल देते हैं। वास्तु के अनुसार जैसे हम कहते हैं कि फूल भी बहुत सारे हैं, फूल के भी बहुत सारे
अलग तत्व है, उनकी स्माइल अलग है, उनका काम अलग है। तो लाल रंग का फूल, जिनके जीवन में एक उमंग ना हो, उत्साह ना हो, उनको आप लाल रंग के कोई गुलाब का फूल दे दो कि वो अपने साथ रख ले। लाल रंग इंद्रधनुष जब बारिश का बनेगा ना, उसमें आपको सबसे ज्यादा लाल रंग दिखाई देगा, है ना। प्रकृति है तो उसमें हमें जो सात धनुष के रंग के अंदर सबसे ज्यादा लाल रंग देता है। और लाल रंग क्यों? लाल रंग एक जो होता है तांबे का कारक, जो सूर्य का भी होता है, तो वहां से क्या है कि अपने आप आत्मा का कारक है। तो यहाँ पर अपने जीवन में उत्साह उमंग नहीं, उनको लाने के लिए लाल रंग के फूल लाने हैं। तो यहाँ पर वो फूल आपके घर के बगीचे है तो वहां पर दक्षिण में लगाइए। और इस दिशा में लाल फूल लगाने से आपको क्या होता है, उत्साह में जो उमंग तो आएगी, लेकिन आपकी कीर्ति में भी बढ़ोतरी होगी, आपके यश में बढ़ोतरी होगी। तो हमेशा आपके घर के अंदर लाल जो बगीचा बनाते हो तो लाल रंग के फूल है हमेशा दक्षिण की ओर लगाएंगे। और यहाँ पर कहते हैं कि साउथ वेस्ट जो पति पत्नी का जोन होता है, यहाँ पर पति पत्नी के जो माधुर्य जीवन में भी बहुत अच्छे से प्रेम बढ़ता है, ये होता है हमारे लाल फूल का बहुत बड़ा अच्छे से प्रभाव। सर बहुत अच्छी, एक बात कहूंगा कि मनी प्लांट आजकल हर किसी को जरूरत होती है, पैसा है ना, मनी प्लांट लगा ले कि पैसा आ जाए। तो मनी प्लांट कभी भी अपने जमीन पर ना फैलाए, इस बात को याद रखने हैं। हम कहते हैं कि कांच की कोई बोतल ले लो, है ना, और दीवारों से सहारे के ऊपर उनको ऊपर की ओर जाने देना चाहिए, जिनसे हमारी धन की वृद्धि हो। कई बार क्या कहते हैं कि जो हम लगाते तो देते हैं मनी प्लांट फ्लोर पर, लेकिन वो नीचे की ओर फैलेगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, लेकिन हमें जाना है ऊपर, यानी कि पैसा चाहिए, 5,000 नहीं, हमें 25,000 कमाना है। तो इसके लिए मनी प्लांट को हमेशा दीवारों से जोड़कर ऊपर की ओर ले जाना है। अब बच्चे के लिए जब बात आती है, सबसे पहले मेजर सवाल होता है कि बच्चों का और अपने बिजनेस का, और उसके बाद आता है कि हमारे शौक वैभव का। सब तो सबसे पहले ज्यादा घर में अंदर हमारे औरतों के अंदर यही जो होता है कि बच्चे कंट्रोल में रहे, उनको तंग ना करें, शांति से काम करने दे, खुद अच्छे से पढ़े। तो बच्चे के लिए क्या करेंगे, बच्चों के कमरे में आप नीले रंग का, गुलाबी रंग का, इस तरह से हरे रंग के आप पर्दे लगा दो। ये रंग क्यों? क्योंकि ये रंग हमें शांति और अच्छे स्वास्थ्य उनका माना जाता है, हेल्थ माना जाता है। इस बहुत अच्छा लॉजिक में समझाने की कोशिश करूंगा। हम अस्पताल में जाते हैं तो आपको व्हाइट रंग और हरा रंग दोनों ही मिलेगा, क्यों? सफेद रंग की हॉस्पिटल पर और उसके पर्दे जैसे मैंने लगाया पीछा जो हरा रंग है ना, मैंने कंट्रोल करके रखा है। अगर मैंने कपड़ा जो भी पहना है, लेकिन मुझे कंट्रोल कौन करेगा, मेरे पीछे का तत्व, यानी कि वो मेरा ये तत्व है हरा रंग, वो हमें क्या करेगा कि शांति देगा। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अच्छे से काम कर पाते हैं। दूसरी बात, जब आपका मन सही होगा तब तो आप कोई डिसीजन नहीं लेते, कहते कि भाई धैर्य रख, मुझे शांति से अपने प्रभाव के अंदर आने दे, तो मैं उसके बाद तुझे बता दू मैं तेरा काम करूंगा या नहीं करूंगा। और बच्चों के लिए जब शांत वातावरण बनता हो और उनकी शांति होती है, दिमाग पर शांति बनती है, तो अच्छे से उनके बच्चे के मन में पढ़ाई की बात रहती है। वरना क्या कहेंगे, चल तो यार गेम खेलते हैं, क्योंकि मन में शांति नहीं है। तो सीधी सी बातें वो ये बातें आती है। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण, ज्यादा वर्क करता है किचन, साउथ ईस्ट, है ना। सुबह, दोपहर, शाम कितनी बार खाना पकाओ, कितनी बार चाय नाश्ता लाओ, पता ही नहीं चलता कितने घंटे आपने किचन में बिताया। तो एक बात याद रखिएगा, जिनके घर के अंदर किचन के अंदर जो दवाई होती है ना, वहां पर अगर आपने एक गोली भी टेबलेट रखी हो या फिर कोई एक सिरप की बोतल रखी है, तो 100% उस घर के अंदर दवाई कहीं बंद नहीं होती और वहां पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रहती है। इस बात को नोट करना है, कहीं पर भी किसी भी घर के अंदर अगर आपके किचन में कोई दवाई रखी है, तो वहां से उनको आप जरूर हटा दीजिए। हो सके तो इनको ईशान कोण में ले जाइए, जो हमारे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो कोना होता है वो होता है ईशान, और इसी ईशान कोण के अंदर वहां पर आप उस प्लेसमेंट में अगर वहीं पर कोई बक्सा नहीं, तो कहीं पर भी आप टूल रखकर भी वहां पर दवाई रखिए, जिसमें क्या है ईशान कोण हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छा हमारे धर्म स्थान है, वहां पर हम मंदिर रखते हैं, तो वहीं पर धर्मत्री है, संजीवनी है, तो वहां पर संजीवनी आपकी स्वास्थ्य हेल्थ को अच्छे से ठीक करते हैं। पर यहाँ पर जब आपका शरीर सुख होता है तो आपके जीवन में बहुत अच्छी सी और भी खुशी आती है। तो यहाँ पर रख दीजिए, उत्तर पूर्व में दवाई रखनी है, जिनसे आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा पड़े और आपको पॉजिटिव एनर्जी भी प्राप्त हो। अब मान लीजिए कोई कहेगा कि यार मैं बहुत दिनों से तनाव हूं महसूस करता हूँ, मानसिक रूप से शांति नहीं है, सब कुछ है लेकिन मन से जो परेशान है,
तो यहाँ पर क्या करना है, उनको मन की शांति के लिए मिट्टी के बने गमले से पौधे को पानी देना है, यानी कि जो एक मिट्टी का घड़ा होता है उनको उठाना है, उसमें जल भरना है और पौधों को पानी देना है। और कहीं आसपास में बगीचा हो वहां पर आप चले जाओ, गार्डन हो वहां पर जाइए। जिनसे क्या है कि आप थोड़ा वहां पर चट्टी मत पहना, जूते पहने, सॉक पहने तो उनको जरूर निकाल दीजिए। वहां पर आप क्या करेंगे, आप इस तरह से जाइए कि जब आप घास पर चलेंगे ना, अब पैर के जो तलवे हैं ना वो हमारे मन पे सीधा इफेक्ट आता है। पैर के तलवों से जब आप काम करते हो, जिनको अनिद्रा की समस्या हो, तो वहां पर मैं भी एक और बात बताना चाहूंगा कि आप जब आपको अनिद्रा आती है आप क्या कीजिए, रात को सोते समय से पहले थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी बनाइए, जिसके अंदर आपको एक दो चुटकी आपको नमक डालना है। अपने हाथ पैर को धोने तक उतना ही आपको पानी हल्का सा गर्म कीजिए गुनगुना, और वहां पर अपने नमक डालकर जब नमक घुल जाता है तो आप उनके हाथ पैर धोकर पैरों के तलवे पर आपको खाने का तेल हो या फिर कोई भी तेल हो आप उस ऑयल का उपयोग कर सकते हो। तेल यानी कि उपयोग कोई कोकोनट ले लिया, कोई बादाम के लिए, जो भी आप लेना चाहते हो, खाने का भी तेल ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको भी आपको हल्का सा गुनगुना करना है। जब आप अपने पैरों के तलवे पर उन तेल से मालिश करना है, इस तरह से थोड़ी देर मालिश कीजिए 10 से 12 मिनट दोनों पैर के तलवों पर। फिर आप सॉक पहनकर लगा दीजिए। जैसे आप सोओगे ना 10 मिनट में आपको यूं नींद आएगी 100%, और मन को शांति मिलती है। जब तक आपको पूरी निंद्रा प्राप्त नहीं होती तब तक आपको मन बेचैन रहता है, दूसरे दिन आपकी एनर्जी नहीं बनती। लेकिन जब आप इस तरह से काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। और हमारा यहीं पर काम होता है कि इस तरह से बिलीव करना। जब तक आप उनको ये सारी चीजें होती है प्रैक्टिकल में करना, और ये प्रैक्टिकल ही काम है, 5 एलिमेंट थ्योरी पंचतत्व की जो बात होती है ना वास्तु की, वहां पर प्रैक्टिकल काम करना जरूरी होता है। सीख लो, अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन उनको आप अपने जीवन में लेकर आओ। अब हम कहते हैं कि मेरा कार्य कर रहा हूं पर सफलता नहीं मिलती। जब हम उन पुराण शास्त्र के अंदर चले जाते हैं जहां पर हमारे बुजुर्ग, अब तो बड़े बड़े शहर बन गए लेकिन पहले सब भी छोटे छोटे गांव में इस तरह से रहते थे। वहां पर क्या था कि सुबह में जो पहली रोटी बनती थी एक गाय के लिए बनती थी, दूसरी रोटी एक कुत्ते के लिए बनती थी, और एक आने वाले वहां पर पंडित भी आता था, कोई और भी साधु महाराज आते जिनके लिए वो रोटी का निवाला निकाला जाता था। लेकिन आजकल नहीं है, कितनी रोटी बनेगी, तू कितनी खाएगा, 2, तू कितनी खाएगा, 1, उतनी ही बनेगी, बात खत्म। सब हमने घर में ही पाल लिया, क्योंकि ये चीजें हम नहीं मानते और ये कहते हैं कि भाई हो गया 4 रोटी बनेगी, थक गई हूँ या फिर मुझसे नहीं होगा। अरे यार कितना हम आटा महंगा है, हर दिन कहां पर मैं ढूंढने जाऊं गाय को कुत्ते को, तो हम खाना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर हमारे स्वभाव में परिवर्तन हुआ। तो जब आपके कार्य में सफलता प्राप्त न होती हो तो आप घर से निकलते पहले 1 रोटी अपने हाथ में ले लीजिए, जहां पर भी आपको कोई कौवा देखे तो वहां पर टुकड़ों करके कौवे को खिला दीजिए, गाय मिले गाय को खिला दीजिए, कुत्ते मिले तो उसको भी मिला दीजिए, तो यहाँ पर आपका सफलता प्राप्त होना स्टार्ट संभव है। अब हमारा घर है एक पल में खुशियां देता और एक पल में कलेश भी देता है। इतना शैतान मेरा बच्चा है जो मैं किसी को कह नहीं सकती या मैं उनके पिता को नहीं कह सकती, तो इतना कलेश रहता है। या फिर दाम्पत्य जीवन में कहीं पर अनबन होती है, एक पल ऐसा होता है जहां पर ये लड़ाई झगड़े यानी कि कलेश की संभावना स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, शुद्ध जल भरकर अशोक का पत्ता हो, अशोक का पेड़ हो या आम के पत्तों को लाल धागे से बांधना चाहिए, और जो कलश रखते हैं वहां पर कलश के अंदर स्थापित करने से स्वास्थ्य में समृद्धि, कल्याण में वृद्धि होगी। और इस कलश को आप कहां पर स्थापित करेंगे, जहां पर आपका घर का मंदिर हो वहां पर आप उनको लगाकर, आपने देखा होगा जब कोई पंडित आचार्य हमारे घर पर आते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, कलश के अंदर जो आम के पत्ते हो चाहे जो भी हो अशोक के पत्ते, उनको लगाकर मौली से बांध देते हैं और वहां पर उस कलश की स्थापना करते हैं। क्यों कि वहां से हमारे समृद्धि प्राप्त हो, तो ये हमारे कल्याण हो, हमें वो आशीर्वचन मिले जहां से हमारा कल्याण हो जाए। पर समय समय पर उनको बदलते रहिएगा, 2-3 दिन में 1 दिन में या फिर हर दिन भी बदल सकते हैं, जिनसे आपको बहुत अच्छे से इनके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब
कोई कहेंगे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्या करूं जो मैं अपने व्यापार में व्यवसाय के लिए प्रगति हो, बिजनेस में ग्रोथ हो, आपको क्या करना है, सोमवार है, शिव मंदिर है, तो आजकल ये सारी प्रथा बंद हो गई। इसलिए मैं समझाने की हमारी संस्कृति आगे बढ़े, और जब आप ये अप्लाई करोगे, देखिए कोई मंदिर कोई पीपल आपको ये नहीं कहेगा भाई मेरा टाइम इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे के बाद मत आना, है ना। मंदिर पे एक बाहर बोर्ड लगाओ, लेकिन कहीं पर शिवलिंग ये नहीं बोल रहा होगा आपको कि इतने बजे के बाद मत आना भाई। शिवलिंग कहेंगे भगवान ऐसे है कि वहां पर वो कहेंगे तू जब भी आ बैठा मैं तेरे पास बैठा हूँ, है ना, मैं अपनी शरण में हूँ, अगर मैं ध्यान मुद्रा तब भी मैं तेरा आकर उठकर देख लूंगा। और उसने पहले उनसे क्या रखा है कि उनका जो नंदी है ना, उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो नंदी महाराज है, वो तो बने ही रहते हैं, वो आपको देखेंगे कि आपने जल चढ़ाया है, तो क्या करना है कि आपको दूध से मिश्रित जल को आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। और ये आप कोई भी महीने की पूर्णिमा हो तो जरूर आप चढ़ाओ, जहां पर आप चंद्र को भी अर्घ दे दो, तो वहां से आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलना स्टार्ट होता है। आप कहेंगे सवाल ये होगा कि चंद्र को कैसे अर्घ दिए, तो चंद्र के लिए पूर्णिमा को इस बात को याद रखिएगा, मेरे अपने जीवन के अनुभव से मैं लोगों से मैं करवाया हूँ, उसी में आपको कहने की कोशिश करता हूं कि आप इनको अप्लाई करो। जब पूर्णिमा को रात्रि से 12 पहले कभी मत सोना, चाहे जो भी हो जाए, वहां पर आप अपने फोन को चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके तो मन में आप विष्णु का, आपको जो इष्ट देव गुरु जी जिनका भी लगे उनका मनोमन जप किया करें। आजकल ये प्रथा भी बंद है, लोग कहेंगे सर कोई रत्न का सुझाव दे दो, मैं पहनूंगा, उनके लिए खर्च करूंगा, लेकिन पूजा पाठ के लिए, उस मंत्र के लिए, दो मंत्र के लिए उनके पास समय नहीं होता। लेकिन ऐसे अरे ऐसे ही आम बात करने के लिए हमारे फोन से जो होते हैं ना, हम इन पर चर्चा करते हैं, 2 घंटे नहीं करीब, मैंने प्रैक्टिकल देखा कि 3 घंटे, 24 घंटे में से जो 6 घंटे नींद के होते, उसके बाद जो बनते हैं 18 घंटे, 18 घंटे इसके अंदर वो लोग 3 घंटे इसके अंदर समय अपना वेस्ट जाता है, उस समय को आप मत जाने दो। दोस्तों सारी जिंदगी में आपकी जो खुशी के लिए जब जीते हो ना, कुछ अपने लिए भी जी लो। 3 घंटे के अंदर अपना 1 घंटा, परमपिता परमाता और शास्त्र में भी हमें यही बताया कि कुछ चीजें आप कुछ मिनट मेरे लिए निकाल दो, यानी कि उनके लिए भी हमें निकालना है। और वो जो प्रार्थना करते हो ना, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उनका फल देता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, हमारे सात्विक कर्म को बढ़ाता है। जब ये बढ़ेगा ना, तो आपके अच्छे संस्कार आपके और अपने घर परिवार में भी मिलेंगे, जिनसे क्या क्या आप अच्छे से और रिजल्ट ले लेंगे, है ना। जो आप देखोगे तो आपकी संतान भी वही करेगी। अगर आपने पूजा का एक बार भी दिया नहीं किया, तो सीधी सी बात है आपकी संतान भी कभी अपने जीवन में नहीं कर पाएगी। अगर आपने घर के अंदर कोई सत्कर्म किनसे कहेंगे, कोई पूजा पाठ करवाना, कथा करवाना, यज्ञ करवाना, ये भी होता है, साल में एक बार यज्ञ किया करो, जिनसे आप अपने घर के अंदर अपने परिवार वालों को, जो सगे वाले हैं, संबंधी है, उनको आप इनवाइट करो कि आज मेरे घर ये पूजा है, ये यज्ञ है, जरूर आओ। अब होता क्या है, जिसने कभी कोई अपने घर में वास्तु नहीं करवाया, जो आपके घर जो कुछ चंद मेहमान आएंगे, तो आपके घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं ना, तो एक खुशी के साहस करते हैं, है ना, खुशियां लेकर आते हैं, वो जीव आपके जीवन में, आपकी लाइफ के अंदर वो खुशियां भर देंगे। क्यों कर देंगे, बच्चे में खुड़ी रौनक होती, चलो मौसी के घर जाना है, कोई कहेगा चाची के घर जाना है, कोई कहेगा बुआ के घर जाना है, बुआ आपको देखकर बहुत अच्छी हो, अरे कितना स्मार्ट आप अच्छे लगे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आज पूजा करोगे, हम भी आए हैं, है ना। तो वहां पर बच्चों का भी एक बच्चों बुध का कारक होता है, तो सगे संबंधी होते जो ये हमारी कुंडली के अंदर, पर वास्तु में जब देखा जाए तो ये परिवार ही है, तो पूरे परिवार में आपने इकट्ठे किया, वहां पर कोई बूढ़े भी आ गए तो बुजुर्ग का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पूजा करने के बाद की खुशी के माहौल, आप कुछ चंद समय जो होता है आप उन पलों के साथ लेते हो, वहां पर कैप्चर करते हैं। पहले तो क्या था, कैमरामैन को बुलाना पड़ता था, खर्चा जाता, पैसा जाता, लेकिन हर फोन में आजकल इसमें समावित है, जो लोग हम सेल्फी लेते हैं कहीं ना कहीं क्लिक करते रहते, क्यों करते भाई, हमारे उस पल को हम अपने याद रखने के लिए, यानी कि समय एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ये क्लास स्टार्ट हुई 11 बजे, लेकिन 12 बजे अंत हो जाती है, तो ये पल जो मैंने बात बताई वहां पर आपने नहीं देखी, इसलिए हम रिकॉर्डिंग करते कि इनको देख पाए, कहीं पर सुन पाए, कहीं पर जो हमारे कुछ ऐसे सवाल हो, जहां पर अगली बेंच में जब आप मुझसे जुड़ेंगे तो सवाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हमेशा
आपके साथ मदद में बना रहूंगा। अब कोई कहेगा कि मुझे एक सिर दर्द से परेशान हूं और हमारे घर के अंदर मेहंदी तो औरतें लगाती है, बच्चे भी लगाते हैं, लड़के भी लगाते हैं, तो कहीं पर आप उसमें क्या कीजिए कि मेहंदी हो, चमेली हो, जो आप उनको खुशबू से भर दीजिए, तो ये जो सुगंध होती है तो उस तत्व के अनुसार आप कोई फूल के भी सुगंध भी ले सकते हैं जहां पर आपको पसंद आती हो, उनको आप लगा लीजिए तो आपको मानसिक शांति बहुत अच्छे से मिलेगी। जब मन की शांति होती है सुख समृद्धि भी साथ होती है। अब मैंने कहा कि मोरपंख सबसे पहले, तो मोरपंख के पौधे को घर में लगाने से भी घर में समृद्धि होती, यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हमारा मंदिर होता है तो वहां पर हम कुछ मोरपिंछ रखते हैं ना, मोरपंख रखते हैं, क्यों कि वहां पर नेगेटिव एनर्जी ना हो, पर मंदिर में जाने से हमें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। हमारा घर के अंदर जो मंदिर है ना वो भी हमारे लिए बहुत ही होता है कि वो हमारी अच्छी पॉजिटिव को हमारे साथ जुड़े रखे, तो वहां से हमें रोगों से मुक्ति मिलती है क्योंकि वो ईशान स्थान है, मैंने बताया था, वहां पर से हमारे आयु को अपने शरीर को अच्छे से बैलेंस रखते हैं। अब कोई कहेगा, एक बात मैं कहूंगा, एक टिप्स को याद रखिए, हमारे घर के अंदर जब लक्ष्मी के लिए हम जरूरत होती है और जिनके घरों में यदि किसी ने अच्छे से और अधिक गणपति पाल के रखे, तो यार मैं यही कहूंगा कि आप अधिक गणपति को ना रखें, एक ही गणपति रखिए जिनकी आप पूजा अर्चना करते हो। आपका मंदिर चाहे पूर्व में हो, पश्चिम में हो, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में या साउथ में, आपके स्थान के अनुसार उस स्थान की जगह पर, लेकिन गणपति का स्थान इस तरह से बनाएगा जो उत्तर की तरफ रहे। अब कहेंगे अरे यार मैंने तो सुना है कि कुबेर भंडारी रखा जाता है, कुबेर के चित्र लगाने चाहिए, कुबेर की पिक्चर रखनी चाहिए, लक्ष्मी जी को रखना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, आप गणपति को रखो, क्यों, लॉजिक है, कुबेर महाराज जो है एक लिमिटेड आपको धन देंगे, है ना, लिमिटेड धन देंगे यानी कि लिमिटेड पैसा देंगे, वो कहेंगे एक बार में मांग ले भाई मैं तुझे उतना दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा, मना कर देंगे, द्वार बंद कर देंगे। जो हमारी प्राचीन कथा परंपरा के अनुसार हम ये भी जानते हैं कि कुबेर रावण का भाई था, जब सोने की लंका के लिए हिमालय पर वहां पर उनको महल बनाने के लिए सोने की जरूरत थी, तब वो कुबेर भंडारी से गए कि भाई मुझे सोना चाहिए, तेरे भंडार में से दे दो। बोले कि भाई तुझे कितना चाहिए? बोले कि महल बनाना है, एक काम कर, आज के दिन जितना मांगना है उतना सोना मांग, मैं तुझे लाकर दे दूंगा, मेरे सिपाही है, मेरे काम कर देंगे, वर्कप्लेस वो तुझे बाहर खड़ा कर देंगे, चाहे जहां ले जा, लेकिन इसके बाद में एक टुकड़ा नहीं दूंगा, मना कर दिया। तो रावण ने सोचा भाई क्या करूंगा, कितना बड़ा महल बना है वो तो मुझे याद नहीं। बोला कि एक काम कर, तेरे 10 आदमी लगा दे, 7 दिन तक सोना बाहर कर दे। तो उन्होंने 7 दिन तक उनको सोना बाहर लाने के लिए लगा दिया, तो उतना सोना उनको प्राप्त हो गया रावण को। अब वो था कि अब यहाँ से सोना हिमालय की ओर ले जाना इतना मुश्किल काम है, कैसे ले जाओ। लेकिन हम सभी जानते कि रावण में बहुत बड़ी विद्या थी, पारंगत था, एक शिव जी का बहुत सत्य प्रतिष्ठित भक्त था, आज भी उनके जैसा कोई और भक्त नहीं हो सकता, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष विद्या में, वास्तु में, सब में माहिर था। तो उसीलिए सोचा कि माता पार्वती के लिए वो एक महल बनवा दे, शिव भक्त था तो अपने गुरु के लिए वो देना चाहता था। तो जब उसने, हमारे जीवन में संगीत की भी एक जरूरत है, तो रावण को संगीत का ज्ञान था, तो उसने ऐसे सुर प्रकट किए, उस स्वर में ताल मिला दिया कि सोना जो उठकर हवा में लहराने लगा और हवा से माध्यम से, उस स्वर के माध्यम से वो हिमालय पे जाकर उसने इकट्ठे कर लिए। फिर वहां पर उसने वास्तु के अनुसार उस महल को बनाया और महल बहुत बड़ा शानदार अच्छा बनाया क्योंकि वास्तु एक्सपर्ट था, तो उसी अनुसार उसने महल बनाया। अब सीधी सी बात है, भगवान शिव ने कहा कि हम महल में प्रवेश तो कर नहीं सकते क्योंकि उनके लिए हमें वास्तु पुरुष की पूजा करनी होगी, यानी कि वास्तु यज्ञ करना होगा। तो शास्त्रों के अनुसार वो रावण एक ब्राह्मण पंडित था, आचार्य विद्वान था, तो कहा कि आप मेरे यजमान बन जाओ, मैं आपका आचार्य बन जाता हूँ, चलिए हम यज्ञ स्टार्ट करते हैं। तो यज्ञ स्टार्ट हुआ। अब जब यज्ञ पूर्ण होता है तो हमें कुछ ना कुछ आचार्य को दान करना होता है, उनकी जो इच्छा होती है, लेकिन आजकल क्या है कलयुग के हिसाब से हम इतना तो नहीं कह सकते, पहले बताते भाई कितना लगा सत्यनारायण की भगवान की कथा का ये बता दे,
3000, तो अरे यार ज्यादा है, 2000 ले ले पर मेरी कथा कर दे। तो पहले के जमाने में ये नहीं था, वहां पर तय नहीं किया जाता कि मैं मुझे आपको क्या देना है। तो वहां पर अब राहु ने कमाल कर दिया, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट कर दी, कि उसने कहा कि मैं ये महल ही ले जाओ। तो भगवान ने जल लेकर उनको कहा कि अस्तु, यानी कि उसी का महल बनाया, उसी को दे दिया। अब वो तो सोचने लगा कि मेरी माता सरस्वती ने ऐसा कर दिया कि उसने वचन में वो महल ही मांग लिया। तो वहां पर रोने लगा कि मैंने क्या कर दिया। तो भगवान शिव बोले कि भाई अब उठा, मैंने तुझे दान दे दिया, निकल यहाँ से, अपना सामान लेकर बोझा लेकर चले जा, क्योंकि हम पंडित को कहते कि भाई आपकी सामग्री लेकर चले जाओ, रुको मत, क्योंकि आपका काम पूर्ण हुआ। तो वहां पर उसी ने फिर से उसी संगीत के माध्यम से, संगीत हमारे जीवन का बहुत अच्छा अहम हिस्सा है, तो वहां से उसी खुशी से साथ के उनसे उठाकर भारत से बाहर यानी कि लंका में स्थापना कर दी। तो वहीं से जो हम कथा में और ऋषि मुनि के द्वारा शास्त्रों में पढ़ते हैं कि रावण की लंका जो थी वो सोने की थी, तो सोने की कैसे थी, वहां थी। और वहां पर लॉजिक की बात बातती है कि माँ लक्ष्मी जब कहेंगे पैसे धन के बारे में कि लक्ष्मी जी भी पैसा देते हैं, तो क्यों लक्ष्मी जी का फोटो लगा दिए या फिर चित्र या फिर कोई मूर्ति स्थापना की जाए, लेकिन नहीं करना चाहिए। गणेश जी हमें विघ्न हरता है, गणेश जी को वो एक सभी ब्रह्मा विष्णु महेश ने आशीर्वचन दिया कि सबसे पहले तेरा काम करेंगे गणेश जी, यानी कि निर्विघ्न कुरुमे देव सर्व कार्य सर्वदा, यानी कि गणेश जी को प्राप्त है श्री गणेशाय नमः। हम ये लगाते हैं कि श्री गणेशाय नमः, कोई भी कार्य करने से पहले गणेश जी का आह्वान करना चाहिए। तो इसलिए वहां पर आप गणेश जी को स्थापित कर दो। मैनेजमेंट बदलने और कुछ नहीं करने, वास्तु क्या है कि एक मैनेजमेंट होता है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को उठाकर वहां से अलग कर देंगे, इनको स्थापित करेंगे, यानी कि नया मैनेजर लाएंगे जो हमारे ग्रोथ को सोचे। तो वहां पर गणेश जी को बैठा दो। अब गणेश जी के साथ दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, यानी कि जो भी आपका काम होगा वो सिद्ध होगा, और सिद्ध होगा तो सिद्धि से बातें रिद्धि होगी। अब यहाँ पर उनके भी जो दो पुत्र है शुभ और लाभ, बहुत बड़ा लॉजिक है, इनको अच्छे से ग्रहण कर लो, ये बहुत जगह पर आपको अप्लाई करके आप उनको मिलेंगे। और एक गणेश जी को लगाने से आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हुई, और उनके पुत्र है जो शुभ लाभ है ना, सीधी सी बात है, आप अच्छा कार्य करोगे लाभ होगा, लाभ होगा यानी कि पैसा आना आएगा, ये लॉजिक बहुत बड़ा अच्छा है और लॉजिक के साथ, लेकिन ये काम करता है 100% दावे के साथ। मैं कहूंगा कि 15 दिनों के बाद मिलूंगा, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया हो ना वो मुझे बताना कि आपको क्या अपॉर्चुनिटी। वॉटर एलिमेंट ऐसा है जो हमें बैलेंस के साथ वहां पर ये काम करता है, क्योंकि पानी पीने से एक एनर्जी आती है ना, गर्मी के माहौल में हमने क्या पिया, नींबू पानी। नींबू पानी क्यों, क्योंकि हमें एनर्जी प्राप्त हुई, यानी कि एक एनर्जी मिलती है जहां से हम अपने से और काम कर पाए। इसलिए वहां पर हम गणेश जी लगाएंगे जिनसे वो अपना काम करे और सिद्धि प्राप्त हो। इसीलिए से आगे और बातें हैं कि जैसे मैंने कहा कि शुभ लाभ, अब शुभ लाभ जो है क्या देंगे, जैसे परिवार के सभी सदस्य अपने समय के अनुसार अपना हिस्सा बिताते हैं। अब कई बार यह होता है कि समय नहीं मिलता है ना, तब आप एक काम कीजिएगा, अपने मोबाइल वॉलपेपर गूगल पर सर्च करके बुध का एक प्रतीक लगा दीजिए, आपको परिवार से मिलने के समय प्राप्त हो जाएगा, मन की शांति बनेगी, एक विश्वास बना रहेगा। ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको प्रतीक होता है वो अपना काम करेगा। और कई बार हम देखे हैं कि भाई सात घोड़े की तस्वीर, कई बार सात घोड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन जब वहां पर आपको सूट नहीं होता वहां पर सात घोड़े भी आपको साथ काम नहीं करते। और कई पर ये कहेंगे कि भाई सात घोड़े की तस्वीर लगे लेकिन मैं सीधी रास्ते की जगह पर उल्टे रास्ते पर दौड़ने लगा, काम तो नहीं बढ़ा लेकिन जो मेरे जहां पर मैंने क्रेडिट पर माल उठाया था वहां पर मुझे धक्के स्टार्ट हो गए, यार यार मुझे कब देगा। तो यहाँ पर इस एनर्जी को लगाने से पहले कई एक एक्सपर्ट को लेकर राय लेकर जरूर लगाइएगा, लेकिन हाँ मन की शांति के लिए अपने वॉल पेपर बुध को लगाए घर के अंदर नॉर्थ की दिशा में, जहां पर 0 डिग्री होती है, हर मोबाइल के अंदर कंपास होता है, उसी कंपास में 0 डिग्री पर आप गणेश जी को स्थापित कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार क्या लाभ मिलता है। अब होता क्या है, दिन भर की थकावट के साथ हमारे साथ एक पर्स होता है, बटुआ होता है, जहां पर हम अपने पैसे है डॉक्यूमेंट है उनको साथ रखते हैं। लोग क्या कहेंगे, अब बुरा मत मानिएगा, पर्स जो होता है जेंट्स लोग पीछे की ओर रखते हैं है ना, अपने
जो पायजामा होता है, पैंट होता है, जींस होता है, उनके पीछे की पोर्स के अंदर, वो पॉकेट के अंदर वहां पर रखते हैं, लेकिन वहां पर रखने से बचो कभी भी, है ना। जहां पर जो है हम विष्टि का काम करते हैं वहां पर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी है, हमारी घर की लक्ष्मी भी कह सकते हैं, हमारी पत्नी है वो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन पैसा जो होते, पैसे से हमारी एक लक्ष्मी देवी है, उनको हमें सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर हो सके तो आप आगे की तरफ रखना स्टार्ट करो, फिर देखिए कितना चमत्कार होता है, कितना परिवर्तन होता है। पर कई बार कहेंगे बटवे में पैसा ही नहीं रहता, अरे यार रखा है ऐसी जगह पर जहां पर वो खत्म कर दे, है ना, उनको आगे की तरफ थोड़ा चेंज कर दो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कई बार होता है कि सोते समय अपने सिर के पास भी बटवा रखते हैं, है ना, तो सर के पास यहाँ पर हमें बटवा नहीं रखना चाहिए, जो यहाँ पर जो है आपको चिंता से घिरा रहेगा। और जब आप अनुभव कीजिएगा, जो लोग अपने सोने के समय अपने पास जो सिर का पास वो बटवा रखते हैं पैसे से भरा हुआ, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो उसके अंदर, लेकिन वो चिंता से घिरा बना रहता है, तो वहां पर रखने से उनको दूर रखिए, उसके बाद सोइए। अब लोग कहेंगे कि भाई सूर्य देव को जल दो, है ना, जो सूर्योदय के समय हमें ये जल देना होता है, उससे कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाना। अब हकीकत में उनका लॉजिक क्या है, सूर्य आत्मा का कारक होता है, इसकी दिशा से निकलकर वो पश्चिम की ओर जाते हैं और वहां पर सूर्यास्त होते हैं। जो हमारे के साइंस ने ये बताया कि जब सूर्य की रोशनी में, आप देखा होगा बहुत सारे फोटो में, इमेज में, कहीं पर गार्डन में जाकर मॉर्निंग वॉक करते हैं और वहां पर सूर्य नमस्कार करते हैं, है ना, सूर्य नमस्कार करने, यानी कि सुबह की वो किरणें होती है जो हमारे जो विटामिन है, प्रोटीन है, उनको भरपूर कर देती है, बिना खाए पिए हमें वो विटामिन मिल जाते हैं, तो वहां पर जल देने को अब भी महत्व है। क्या आप नहीं कर सकते जल दे दो भाई, तो जल देने के लिए आप पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें सादा जल भरिए और सूर्य के अर्घ्य देने पर उस धारा से आपको सूर्य को देखना है उस रोशनी के अंदर। अब बात करेंगे बेडरूम की, कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम का एरिया है उनको कभी भी आप खाली ना रखो, वहां पर कोई आप कुर्सी है, मेज है, सोफे है, उनको वहां पर इस जैसे भारी सामान को रखो, वहां पर आपको जब वो भारी सामान रहेगा तो आपके अच्छे से बैलेंस करके रखेगा, वहां पर आपको जो तनाव की स्थिति नहीं बनेगी, आपकी जो ग्रोथ होती है उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो इसलिए साउथ पश्चिम SW का जो होता है नैऋत्य कोण, वहां पर भी आप उनको अच्छे से भारी सामान रखें। हमारे शास्त्र के अनुसार अनाज और धन एक बराबर होता है, क्योंकि धान्य की जरूरत है, धान्य जब जैसे गर्मी में आई, गेहूं चावल बन के हमने इकट्ठे कर लिए, और जो हमें हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रोटी बनेगी तो हमारी एनर्जी बनती है, इसी तरह पैसा भी रहता है धन, तो पर्स में चावल के दाने रखने के भी एक महत्व है। जिसने भी नहीं रखा हो आप जरूर एक बार आज ही इस मीटिंग के बाद जरूर रखिए चावल के दाने, आप चुटकी भर ले लीजिए अपने पॉकेट में साथ रखो। चावल क्या है, शास्त्र में उनको अखंड माना गया है, वो शुद्ध माना गया है। जब भी आप देखे होगा कि चावल रखने की ढेरी बनाते हैं, उन पर प्रतिमा कोई पंडित जी आता है पूजा के साथ रखते हैं, क्योंकि चावल शुद्ध है, अक्षत कहा गया है, यानी कि एक अमृत है, और इसी अक्षत हमारा जो है लक्ष्मी का स्वरूप है, चावल जो है हमारा लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए हमारे घर के अंदर चावल बना रहता है। एक बार और कहूंगा, जो लोग पूजा पाठ में मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उस दिए के नीचे आप चावल के उनको निमंत्रण रखो, क्योंकि जो दिया है वो उनको हमें आसन देने के बराबर कहा गया है, इसीलिए हम उनको आसन देना चाहिए। जो लोग आसन नहीं देते तो एक बार परिवर्तन करके देखिए फिर कैसी खुशहाली आती है, जरूर बात मुझे कमेंट कीजिएगा नुपुर जी को, या फिर यहाँ पर कमेंट कीजिएगा जिनसे क्या है कि आपको क्या अनुभव मिला। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके देखने के बाद दोबारा ज्वाइन करके दोबारा कमेंट फीडबैक दीजिए क्या लगा, जिनसे क्या हमें और भी आपकी तरफ लेकर है, ऐसे ऐसे अनुभव के साथ टिप्स जो आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप उस प्रकृति की ओर जाएंगे जहां पर हमारी संस्कृति बनी रहेगी। अब किचन होता है, किचन के अंदर चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर बर्नर, तो कई बार क्या होता है कि रात के लेट होने पर हम इनको जूठा रख देते हैं, यानी कि साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो कभी भी आप बर्तन मत मांजिए, लेकिन प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से क्लीन कर दीजिए, चूल्हे को साफ कीजिए और उनको साफ कर आप सो जाओ। जो बर्तन होते जूठे बर्तन, उनको आप अपनी सिंक होती है उसके अंदर रख दीजिए,
या फिर किचन से बाहर रख दीजिए, है ना। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और खास मीडिया में। और आपके रोहित शर्मा की टीम बंबई इंडियंस की कप्तान है दर्शकों रोहित शर्मा। आज इनकी कुंडली में बृहस्पति तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है जो कि इनके लिए सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तो अंत में ही फैसला किया जा सकता है कि दर्शकों आज इस महा मुकाबले में आपको मुंबई इंडियंस टीम जीतती हुई नजर आएगी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो हेलो। हाँ आ रही है आवाज, पता नहीं कहाँ से आवाज आई, यहाँ से तो सब म्यूट था। हाँ मैंने भी सोचा कि कहाँ से वॉइस आई, एक बार और आ रही है, अभी तो नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ अब क्या है, यही जो है हमारी प्रकृति है और उसी के अनुसार जब हम चलते हैं तो बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिलते हैं और हमें इस तरह से अपने जीवन में से आगे बढ़ते हैं कि भी क्या करना चाहिए, है ना, और किस तरह से हम आगे बढ़े जिनसे हमारा एक काम बने। तो फाइव एलिमेंट थ्योरी में पंचतत्व की बात है, ऐसे टिप्स मैंने आपको बताया जिनसे आप एक बार अप्लाई करके देखो। चावल के दाने अपने पर्स में रख दीजिए, घर के नॉर्थ एरिया में आप उनको अच्छे से गणपति रखिए, अधिक गणपति है, सौ पीस है, कैलेंडर है, फोटो है, तो उनको भी आपको विसर्जित करना है, यानी कि जल प्रवाह करना है। जल प्रवाह करने से आपको क्या ना करना होगा, जैसे किसी को हम भूखा नहीं जाने सकते तो वहां पर आप प्रसाद का एक लड्डू ले लीजिए और प्रसाद के लड्डू के साथ उनको आप उनको विसर्जित कीजिए, यानी कि जल प्रवाह कीजिए। कोई कहेगा कि मैं मंदिर में रख दूं या पीपल के पास, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप अगर उस प्रतिमा को वहां पर रखा है, अगर किसी ने वहां पर उसका और नुकसान देते हैं या फिर कहीं पर कचरे में जाते हैं तो आपको ही दोष लगता है, तो इनसे अच्छा है कि जल प्रवाह करना, यानी कि अपने स्थान पर वो चले जाए और आपके शुभ कर्म पर अच्छे से वो विराजमान हो और आपका कार्य को निर्विघ्न पूर्ण करे। तो हमारी इस टिप को आप अपनाइए और कहीं पर भी आपको ये लगता है कि कोई ऐसे सवाल है तो जरूर मुझे बताइए। एक बात और कहूंगा जी, अब जल का स्रोत 12-15 किलोमीटर तक भी पास ना हो तो क्या करे, नहर तो बहती नहर है पर नदी वगैरह नहीं है, वो चल सकती है? हाँ बहती नदी हो तो वहां पर चल सकती है, कुछ भी हो, नहीं, नदी नहीं नहर, नहर हो तो वहां पर शुद्ध जल होना चाहिए। नहर में तो जो बह के आता वही आता है साहब, अब देखो कृषि के काम के लिए जो नहर में पानी आता है, गंदा पानी है तो वहां पर जल प्रवाह नहीं करोगे। तो कहीं पर आप क्या करेंगे, एक झोले में एक थैली में भरकर एक साइड रखिए और उनके साथ जब आप कोई नदी स्थल या फिर समुद्र में जाए तो वहां पर उनको जल प्रवाह कर देना है और कुछ नहीं है, है ना। जैसे मोटा एग्जांपल तो बाकी तो नहीं पता, जैसे हम नवरात्रे करते हैं 2 बार, हाँ, तो उसके बाद उसकी पूजन सामग्री को मैं तो वैसे पीपल के नीचे रख के आता था तक ही, लेकिन अब आपकी बात पे गौर फरमाया जाएगा क्योंकि यमुना भी कम से कम मेरे घर से 25 किलोमीटर पड़ जाती है जी, उससे पहले कोई नदी नहीं है। हाँ, अब यमुना जी के पानी को साफ मानेंगे या गंदा मानेंगे वो अलग मैटर है। हाँ, दिल्ली के अंदर तो जी जी, अब ऐसी कंडीशन में क्या करे आदमी। तो कहीं पर समुद्र होता है, कहीं पर आप जाना होता है या फिर कोई जाता है आता जाता हो, उनके साथ आप उनको भेज दो कि भाई इनको जल प्रवाह समुद्र में कर देना, जहां पर एक आपके आधे पैर डूब जाए उतने वहां तक चले जाइए, वहां पर आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए, तब भी वो माना जाए। उसके बाद एक बार आपने जल प्रवाह कर दिया फिर मतलब ये है कि उस समय वो चीज हम जैसे पूजन सामग्री हटा के हम घर के अंदर थैले में या बाहर कहीं भी रख सकते हैं, मतलब हाँ रख दीजिए, 2 दिन 5 दिन 10 दिन बाद टाइम लगे जब करके आ जाए चाहे। ऐसे समय पर आप जरूर करके आ जाइए जहाँ पर आपको उनकी एनर्जी का सामना ना करना पड़े। ओके फिर क्या होता है, गिफ्ट आर्टिकल में गणेश जी सबसे ज्यादा दे देते हैं, कोई कलम में, कोई कैलेंडर में मिल गया, कोई स्टिकर में आ गया, हमारी बुक में भी होता है। मैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक नक्शे के आधार पर बता देता हूँ कि इनके घर में इतने गणेश जी है, और कई लोगों का मैंने तो 80 तक गणेश जी के स्मृति को निकाला है कि भाई हटा दो यार क्या करना है। तो जब ऐसी एनर्जी होती है तब उनको हमें क्लियर करना होता है। आपके घर में कहीं पर शास्त्र पुराण के पोथी हो, किताबें हो, अपने बचपन की याद हो, उन पर कभी भी धूल मत जमने देना, यानी कि धूल नहीं, उनको समय समय पर उनको साफ करते रहे, उनको एक बार पढ़, है ना, बचपन की भले क्यों ना याद हो लेकिन उनके पढ़ने को एक बार खोलिए, इनसे भी आपके जीवन में बहुत सारी तरंगें स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, हमारे घर के अंदर समय के अभाव के कारण जाले दिखाई देते हैं, है ना, जाला नहीं लगना चाहिए, उनको समय समय पर जरूर साफ करते रहिए, यह भी बहुत बड़ी बात है।
जो जाले होते हैं आपके घर के अंदर नेगेटिव स्थापित कर, और कलयुग के अंदर राहु का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, तो राहु क्या देता है, आपको नुकसान भी कर सकता है फल भी दे सकता है, लेकिन जाले जो होते हैं वो आपकी पॉजिटिविटी को रोकते हैं और नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं। तो जाले जब भी आपको लगे कि वहां पर जाला लगा है तो उनको तुरंत रिमूव कीजिए, इनसे आप बहुत अच्छी एनर्जी से पॉजिटिव ले सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे यहाँ तक सुना, आशा करूंगा कि मेरे दिए टिप्स आप फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद चाहूंगा नुपुर जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपने साथ जुड़ा, मालिन जी का भी बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और आशा करूंगा यदि पसंद आया हो, अगर कहीं पर किसी की रिक्वायरमेंट है तो मैं दोबारा सेवा के लिए जरूर हाजिर रहूंगा। दीपक जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, मेरे मित्र है जो हमारे साथ ये जुड़े, उन्होंने भी अपना समय दिया, बहुत थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, और आपने बहुत अच्छा समझाया, वास्तु का भी बहुत अच्छा समझाया, और जो टिप्स दिए वो भी बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारे टिप्स को यूज किया है जो आपने मुझे बताए थे, और उसका भी काफी अच्छा असर आया, और जितना भी आपने बताया अभी जो बताया, कुछ नई बातें भी बताई, और पहले की जो बातें हैं आज की बातें हैं, सब कुछ मिला करके अगर मैं कहूँ तो बहुत ही असरदार टिप्स हैं। और इसको यदि आप जो भी हमें सुन रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, भारत के लोग सुन रहे हैं, वो इसको जरूर आजमाएं, क्योंकि ये टिप्स मैंने खुद आजमाए हैं और मैंने अपने जीवन में इसमें चेंजेस देखे हैं, जो कि आज भी मैं उसका अनुभव कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुए हैं। जैसे कि नॉर्थ में बताया रविंद्र जी ने कि आप ये चीजें रखिए, जैसे कि चावल रखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा उपाय है जो कि इन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था। अभी तो बताया कि वॉलेट में रखना है, पर उन्होंने मुझे बहुत पहले बताया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि नॉर्थ की दिशा जो है वो हमेशा जागृत रहती है, और वहां से जो भी अच्छी एनर्जीज है, वाइब्रेशंस है, वेल्थ है, धन, वो भी आता रहता है, तो कभी भी रुकावटें नहीं आई। तो ये मैं कहना चाहूँ। और भी एक दो उपाय बताए थे जो कि मैं समझती हूँ बहुत अच्छे थे। एक उन्होंने बताया था मुझे अशोक की लाट रखना, तो वो गवर्नमेंट सर्विसेज वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेरे हस्बैंड जो है उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। अभी भी वो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार से जुड़े हुए हैं, एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये भी मैं कहूंगी कि इन्होंने जो उपाय बताया उससे बहुत चेंजेस आए और अभी तक आते रहे। ऐसा नहीं है कि आपने कर दिया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो रेगुलरली होते रहते हैं। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छे से चीजें बताई और आगे भी बताते रहेंगे। दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। और भी किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं रविंद्र जी से। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन दे कैन ऑफ कोर्स आस्क मीना जी एंड ज्योति जी। शबाना, डॉक्टर शबाना, वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन? Thank you so much, Ravindra ji. So, no, my signal has been like on and off the internet, so I missed a few. But then many, कई सारे जो आपने share किए, they are very useful tips. So we will try to, you know, practice and apply some of those and see. Thank you. Thank you. धन्यवाद. So, इसी के साथ हम ये session को end करते हैं, समाप्त करते हैं। और बहुत अच्छा सेशन रहा, और आगे भी हम आपकी इस ज्ञान का पूर्ण लाभ उठाएंगे। आपने इतने अच्छे से बताया, और आगे भी हम आपसे बहुत सारे टिप्स लेते रहेंगे जो हम अपने जीवन में उपयोग कर सके, अपने घर में उपयोग कर सके, और अपने